क्या आज भी टाइटेनिक लोगों की जान ले रहा है? तो आंसर होगा यस। 111 साल बाद भी टाइटेनिक कई लोगों का जान ले रहा है। अभी हाल में ही आपने देखा होगा जो कि टाइटन समर्सिबल था, उसमें 5 पीपल सफर करते हुए जा रहे थे और वो लापता हो गए और उनका डेथ हो गया। आज हम जानेंगे कि कैसे टाइटन समर्सिबल काम करता है, क्यों लोग इतना उत्साहित रहते हैं वो टाइटन के मलबे को देखने के लिए जो टाइटेनिक का मलबा है, और कैसे उनमें इतनी एनर्जी आती है कि करीब करीब 2 करोड़ पर हेड के हिसाब से भी वो उतना चार्ज देके और वो टाइटेनिक के मलबे को देखने जाते हैं। जानते हैं कि यहां बहुत डर है, मरने का चांसेस है। जब टाइटेनिक 10 अप्रैल 1912 को चला था साउथहैम्पटन से, तो करीब करीब 4 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को वो न्यूयॉर्क जाने वाला था, लेकिन वो 900 माइल पहले ही रात के 11:40 पे वो आइसबर्ग से टकरा गया। आइसबर्ग से टकराने के बाद में उसमें बहुत ही तेजी के साथ में वाटर के रिसाव हुआ, पूरा जितना शिप था उसमें वाटर फिलअप हो गया। उसके बाद में टाइटैनिक करीब 2:20 पे वो श्रिंक हो गया, वो डूब गया। टाइटैनिक में 2,224 पैसेंजर थे, वो हाई फाई पैसेंजर थे, और जिसमें करीब करीब 710 को ही बचाया जा सका, और जो रिमेनिंग 1514 थे उनका डेथ हो गया। तो यहां पर करीब सोचिए 1500 से ज्यादा लोगों का डेथ, ओनली 710 लोगों को बचाया जा सका। इतना बड़ा शिप, करीब 48,000 टन का शिप, बताया जाता था ये ना डूबने वाला शिप था, उसका कंस्ट्रक्शन बहुत ही जबरदस्त था। जब वो डूबा है अटलांटिक ओशियन में, वो करीब करीब 4 किलोमीटर गहराई में जाके आज भी है। 1912 में डूबा था, लेकिन 1987 में पहली बार खोजा गया था। लोगों को इतना हौसला कैसे आता है ये एडवेंचर करने के लिए कि हमको टाइटेनिक का जो समुद्र तट के अटलांटिक ओशियन में 4 किलोमीटर के बॉटम में है उसको हमको देखने जाना है, वो हौसला आता है ऐसे लोग जो ऑलरेडी वहां पर जा चुके होते हैं। तो 2021 में एलन एस्ट्राडा गए थे, वो सक्सेसफुल उनका जर्नी रहा। पहले अटेम्प्ट में वो नहीं जा पाए, कुछ टेक्निकल ग्लिंचेज रहा, वो वहां पर नहीं जा पाए, लेकिन वो सेकेंड चांस में 2-3 पैसेंजर के साथ में वो वहां गए और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वाकई टाइटेनिक के मलबे को देखने का एक्सपीरियंस हमारा बहुत ही वंडरफुल रहा। चाहे वो जो कैप्सूल है, वो कैप्सूल में रॉकेट टाइप का लॉन्चिंग का जो एक्सपीरियंस रहा उनका, वो बहुत ही सराहनीय रहा, वो बताते हैं वो बहुत ही मार्मिक रहा। तो लोगों में जिज्ञासा होती है, जितने अरबपति हैं वो सोचते हैं हम इस एडवेंचर को करने जाएंगे, और उनका एक हौसला और बढ़ता है कि अगर उनके क्रू मेंबर में एक ऐसा मेंबर रहे जो कि ऑलरेडी कई बार वहां पर जा चुका हो। अगर हम बात करते हैं पोल ओर्टी का, वो करीब 35 टाइम्स जा चुके थे टाइटेनिक के मलबे को देखने के लिए। वो एक फ्रांसीसी खोजी है, 1912 को पहली बार टाइटेनिक डूबा था, लेकिन उसका खोज ये कहां पता लगाया जा सका, 1987 में पहली बार खोजा गया कि यहां टाइटेनिक का मलबा है। तो उसमें पोल ओर्टी भी शामिल थे, वो पहली बार टाइटेनिक को भी देखे थे। तो इसलिए जो उनके साथ में थे मिस्टर हामिस, चाहे सुलेमान या दाऊद, तो ये सब कॉन्फिडेंस में थे कि हम वहां पर जा सके हैं और इतना बड़ा हम रिस्क ले सकते हैं। यहां पर इतना आसान नहीं होता है, प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन होता है। अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे, कोई बड़ा मरीज है, कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो आप नहीं देखते हो कि ये खतरे से खाली नहीं है, इस पर आप पूरा साइन कीजिए, ये इसकी मौत भी हो सकती है। इसलिए ये प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट पे साइन करके जाते हैं कि इस एडवेंचर के लिए हम जा रहे हैं, तो यहां पर हमारा जान भी जा सकता है। अब जानते हैं जर्नी कैसे चालू हुआ, प्लस जो ओशियन गेट है, जो कैप्सूल है, वो कैसे वर्क करता है। तो ये 5 लोग रेडी हुए, मौसम अच्छा रहा, ये कनाडा से न्यूफाउंडलैंड गए, न्यूफाउंडलैंड से शिप पे बैठे। उसी शिप में टाइटन समर्सिबल भी था, जो कैप्सूल जिसमें 5 लोगों को सफर करके जाना था। तो कनाडा से न्यूफाउंडलैंड गए, न्यूफाउंडलैंड से वो करीब 700 किलोमीटर दूर था, मतलब 16 जून को वो लोग बैठे और 18 जून को पहुंचे उस एरिया में।
जो ओशियन का अटलांटिक एरिया है कि अब यहाँ बॉटम में टाइटैनिक का मलबा है, तो 4 किलोमीटर बॉटम में था। तो वहाँ पर पहुँचे सुबह नौ बजे अब उन लोगों का जर्नी चालू हुआ नीचे जाने का। जो शिप में बैठे थे वहाँ से लॉन्चिंग किया गया कैप्सूल को, जो टाइटन कैप्सूल है, सबमर्सिबल कैप्सूल है, उसको लॉन्चिंग किया गया। देखिए एक चीज़ कन्फ्यूजन होता है कि एक होता है सबमरीन, एक होता है सबमर्सिबल। अगर हिंदी में बात करते हैं दोनों का नाम है पनडुब्बी, लेकिन एक बड़ी पनडुब्बी एक छोटी पनडुब्बी है। जो सबमरीन है मतलब उसमें 20 से 30 बड़े ज़्यादा लोग आ सकते हैं, उसमें अच्छा खासा एक्सप्लोजन का भी सामान रखा जाता है। पनडुब्बी आप देखते होंगे नेवी में ज़्यादा यूज होता है। और जो समर्सिबल होता है एक छोटा सा आकार होता है जिसमें 4 से 5 6 लोग ही रह पाते हैं, उतनी सुविधाएं नहीं रहते, कम टाइम के लिए ही वो उपयुक्त रहता है, उसमें ऑक्सीजन लेवल केवल 3 से 4 दिन का ही रह पाता है। करीब 2 घंटे लगते हैं उस टाइटन के मलबे तक पहुँचने में। जो स्पीड रहता है वो करीब करीब 5.5 किलोमीटर पर आवर रहता है, 3 नॉट के करीब। और जो टाइम लगता है 2 आवर्स जाने में, 4 घंटे वो रहेंगे पूरे टाइटैनिक के मलबे को देखेंगे, और फिर 2 घंटा रहता है रिटर्निंग का टाइम। जो ओशियन गेट दावा करती है कि जो ऑक्सीजन लेवल है वो करीब करीब 96 आवर तक इसमें रहता है, जो समर्सिबल है 96 आवर मतलब 4 दिन का बैकअप ऑक्सीजन रहता है, इसलिए लोगों को डर नहीं है। और उसका जो कंस्ट्रक्शन है रोबस्ट कंस्ट्रक्शन रहता है, फाइबर प्लस टाइटेनियम का बना रहता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो ओशियन है, जो समुद्र है, आप खुद सोचिए 4 किलोमीटर गहराई, तो वहाँ पर कितना दबाव होगा। जो दबाव 10 मीटर पे है और वही जो बॉटम में अगर हम देखेंगे वो करीब करीब 380 टाइम्स ज़्यादा। आप सिंपल आप सोचिए, एक बाल्टी है, बाल्टी के पानी में अगर तलहटी पे पानी आ जाती है तो वहाँ पर अगर एक नल लगा रहे उसको खोलेंगे तो आप धीरे से पानी गिरेगा, लेकिन वही बाल्टी या ड्रम को भर देते हैं तब बॉटम में अगर हम नल खोलते कितना तेज़ी से आता है, सोचिए कितने प्रेशर से आता है। सेम वही किस कंडीशन आप सोचिए, बड़ा ओशियन 4 किलोमीटर है भी कहा, जहाँ पर आप देखते होंगे कि करीब करीब 700-800 मीटर के बाद में लाइट गायब, नो रोशनी, दबाव जबरदस्त, वहाँ पर कोई भी जीपीएस सिस्टम काम नहीं करती है, न रडार सिस्टम काम करता है, वहाँ पर काम करता है ओनली सोनार सिस्टम, मतलब वहाँ पर खाली मैसेजिंग किया जा सकता है, हिंट मिल सकता है। तो ये जो कैप्सूल सबमर्सिबल कैप्सूल था तो वहाँ पर केवल मैसेज से कम्युनिकेशन था, न कोई रडार नहीं, कोई जीपीएस नहीं। और जैसे ही 2 घंटे के बाद में आप देखेंगे कि ये इसका कनेक्शन टूट गया, लोग निश्चिंत है, कोई बात नहीं, तो कनेक्शन टूट गया, ऑक्सीजन लेवल है 4 दिन का ऑक्सीजन लेवल है, मे भी हो सकता है कनेक्शन टूट गया है, वो देख के आ जाएंगे 7-8 घंटे बाद में जगह, अरे अरे तो गायब है। उसके बाद में पता चला नहीं ये तो प्रॉब्लम कुछ न कुछ है, उसके बाद से खोजबीन चालू हुआ, कोस्टल गार्ड को इन्फॉर्मेशन किया गया, पता चला उसमें एक्सप्लोजन हो गया। एक होता है एक्सप्लोड मतलब इनसाइड में मान लीजिए कुछ पंप वगैरह या प्रेशर हुआ, इनसाइड से फटा एक्सप्लोड हो गया, लेकिन ये इम्प्लोड हुआ मतलब पानी के दबाव से उसमें विस्फोट हो गया, वो पांचों मारे गए। तो अगर हम बात करते हैं जो समर्सिबल है उसका टेक्निकल फीचर के बारे में, तो उसका जो लेंथ है ओनली 6.7 मीटर लेंथ का ही है, और जो उसका डाया है ओनली 2.8 है, और जो अगर हम ग्राउंड लेवल से हाइट देखेंगे वो ओनली 2.5 मीटर है। और इसमें लगे रहते हैं 4 थ्रस्टर, 2 थ्रस्टर हॉरिजॉन्टल और 2 थ्रस्टर वर्टिकल लेवल में, और ये काम करता है सेम जैसे अपना रिमोट, अपना जो बच्चे खेलते हैं गेम, जॉयस्टिक इसमें रहता है कि आप फॉरवर्ड किए तो अपना समर्सिबल आगे गया, बैकवर्ड किए समर्सिबल पीछे गया, अगर टिल्ट किए तो समर्सिबल ऊपर गया, डाउन किए तो समर्सिबल नीचे गया, और स्लो स्पीड में वो चलता रहा, जिससे कि आराम से आगे साइड में विंडो रहता है, वहां से विंडो से जो लुक है टाइटन का वो आराम से लोग देखते हैं। तो ये बहुत ही आसान सिंपल तरीके से बनाया गया बहुत ही सुंदर समर्सिबल था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मे बी जो उसका कंस्ट्रक्शन था, जो मटेरियल था, उसमें कुछ इन्फेरिटी रही होगी जिसके वजह से उसमें विस्फोट हुआ, वो दबाव वाटर के दबाव को सह नहीं सका। आपको जान के हैरानी होगी कि सब कुछ तो खोज लिया जाता है विश्व में, चंद्रमा तक लोग चले जाते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं पृथ्वी में 70% पानी है और 30% ही आप जानते होंगे लैंड है,
70% पानी में जो खोजा गया है कि पानी के इनसाइड में क्या क्या, ओनली 10% का ही खोज हुआ है। रिमेनिंग 90% आज तक उसका खोज नहीं हो पाया। इसीलिए नहीं खोज हो पाया कि न कोई राडार सिस्टम काम करता है, न कोई जीपीएस सिस्टम काम करता है, तो हम कैसे खोजें। ये प्रॉब्लमेटिक रहता है, जिसके वजह से समुद्र के बारे में, ओशियन के बारे में लोगों को उतनी जानकारी नहीं है, इसलिए बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारे पनडुब्बियाँ, बहुत सारे नाव, बहुत सारे शिप्स डूब जाते हैं। उसके रहस्य के बारे में भी अभी तक बहुत लोगों को नहीं पता चल पाता है। आशा करते हैं दोस्तों आज आपको अच्छी खासी जानकारी हासिल होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर हिट करें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।